इस वीडियो में हम लोग मटेरियल के इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पॉइजन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइजन रेशियो मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बताता है कि डिफरेंट मटेरियल लोड के कारण डिफॉर्म कैसे होता है। हम लोग इसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एक रबर बैंड से। यदि रबर बैंड को लेंथ के डायरेक्शन में खींचा जाए तो इसका लेंथ बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम रबर बैंड की चौड़ाई घटेगा। पॉइजन्स रेशियो बताता है कि बैंड कितना पतला होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं क्यूबॉइड मटेरियल का। अगर इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया जाता है तो मटेरियल एक्सपैंड कर रहा है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लैटरल एक्सिस कहते हैं। यदि फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, मीन्स फोर्स टेंसाइल लगाते हैं, तो क्यूबॉइड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट लैटरल डायरेक्शन में करेगा। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, अगर मटेरियल पे लोड अप्लाई किया जाता है एक डायरेक्शन में तो मटेरियल लैटरल डायरेक्शन में डिफॉर्म होती है। पॉइजन्स रेशियो बताता है कि मटेरियल लैटरल डायरेक्शन में कितना डिफॉर्म होता है। पॉइजन्स रेशियो को प्रिसाइजली मेजर करने के लिए मानते हैं कि एक बॉडी पे टेंसाइल लोड अप्लाई किया जाता है, उससे पहले बॉडी के जो ओरिजिनल डायमेंशन है LX, LY, LZ मान लेते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद मटेरियल में चेंज डेल्टा LX, डेल्टा LY, डेल्टा LZ, बट यहाँ पर डेल्टा LX बाई 2, डेल्टा LY बाई 2, डेल्टा LZ बाई 2 दिखाया गया, क्योंकि चेंज दोनों साइड अकर होता है। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेन को तीनों डायरेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। यह ग्रीक लेटर एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है और स्ट्रेन यूजुअली परसेंटेज में दिखाया जाता है। जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लोड अप्लाई करते हैं तो लैटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन इक्वल होता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल भी है। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड मटेरियल कॉन्स्टेंट। मटेरियल कॉन्स्टेंट को ग्रीक लेटर न्यू, इसे ही पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। पॉइजन्स रेशियो इन्हीं के नाम साइमन डेनिस पॉइजन्स के नाम पर रखा गया, जो फ्रेंच 1827 में इसे पब्लिश किए थे। आप एक चीज़ से वंडर्स होंगे कि इक्वेशन में माइनस साइन क्यों आया। रिमेंबर, बाय साइन कन्वेंशन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज निगेटिव। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव और लैटरल स्ट्रेन निगेटिव है, सो निगेटिव साइन लगाने से टिपिकल केस में पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव मिले। पॉइजन्स रेशियो ओनली अप्लाई ऑन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल जिसका सभी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होता है और मटेरियल डिफॉर्म करेगा इलास्टिक रीजन तक, तभी पॉइजन्स रेशियो अप्लाई होगा। अब हम लोग डिफरेंट पॉइजन्स रेशियो पर मटेरियल को देखते हैं कि कैसे मटेरियल डिफॉर्म करता है। हम लोग टू डायमेंशनल केस को देखते हैं। मोस्ट मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो 0 से 0.5 के बीच होता है। जब टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये मटेरियल लैटरल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी क्यूबॉइड के में पहले देख चुके हैं। मटेरियल जिसका पॉइजन्स रेशियो 0 होता है उसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद लैटरल डायरेक्शन में कोई डिफॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कॉर्क जिसका पॉइजन्स रेशियो 0 होता है। इस तरह के मटेरियल का एप्लीकेशन बहुत होता है, जैसे कि वाइन बॉटल के कैप के रूप में, क्योंकि ये लैटरल डायरेक्शन में एक्सपैंड नहीं होता है लोड लगने पर, तो ये आसानी से बॉटल में लगाया जा सकता है। फाइनली वी हैव मटेरियल विथ निगेटिव पॉइजन रेशियो। ये मटेरियल ऑक्जेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इसके खींचने पर लैटरल डायरेक्शन बढ़ता है और लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्रेस करने पर लैटरल कॉम्प्रेस होता है। ये एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मटेरियल होते हैं जिसका पॉइजन रेशियो निगेटिव होता है। कॉम्प्रेस करने पर लैटरल डायरेक्शन में कॉम्प्रेस हो रहा है
और खींचने पे ये आगे की ओर बढ़ रहा है। पॉइजन रेशियो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कैसे एक बॉडी रिस्पॉन्ड करता है बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। लेट्स लुक ए सिंपल केस बाय यूनि एक्सियल स्ट्रेस द टेंसाइल टेस्ट। इसमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना इजी है। जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस है इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन सिंपल हुक्स लॉ से दिया जाता है एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन यंग्स मॉडुलस। उसी तरह से स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं। फॉर मोर कॉम्प्लेक्स केस हम लोग बॉडी पे ट्राई एक्सियल लोड लगाते हैं। इस केस में हम लोग जस्ट हुक्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि फोर्स इन वाई एंड जेड डायरेक्शन के कारण स्ट्रेन वाई और जेड डायरेक्शन में भी इफेक्ट करेगा। सिंपल फॉर्म ऑफ हुक लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेन अफेक्ट करेगा तीनों फोर्सेस के कारण। हम लोग यहाँ पर हुक्स लॉ के साथ पॉइजन रेशियो के कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं और इस तरह से एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड भी हम लोग निकालेंगे। ये इक्वेशन जनरलाइज्ड हुक्स लॉ कहलाता है और ये यूज किया जाता है डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन करने में जब ट्राई एक्सियल लोड अप्लाई होता है। फॉर पॉइजन रेशियो 0.5 यहाँ पे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में समझेंगे। चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर लोड। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पॉइजन रेशियो से रिलेटेड है। कैसे है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैलकुलेट सारे स्ट्रेन को ऐड करके करते हैं। जनरली हुक्स लॉ के यूज से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखते हैं, अगेन रीअरेंज करने से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये मिलता है। इफ न्यू इज इक्वल टू 0.5 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज जीरो। अगर किसी मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0.5 है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होता है। मीन्स वॉल्यूम का जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है वो कांस्टेंट रहता है आफ्टर अप्लाइंग लोड। ये सब मटेरियल इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल कहलाते हैं जिसका न्यू इज इक्वल टू 0.5 होता है, पॉइजन रेशियो 0.5 होता है।